नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका करण, वो एक मिनट चाहे, अरे फोन गिर जाए, मैं हूं आपका करण पांडे और ये हमारे साथ राहुल एक्सट्रीम राइडर ग्रुप से, और हम लोग निकल चुके हैं बाड़मेर के लिए। बाड़मेर जाने का हमारा मकसद ये है जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत विस्तार से बताऊंगा घर पे जाके। अभी तो आप खाली ये समझिए कि मैं बाड़मेर जा रहा हूँ और अर्जेंटली जा रहे हैं हम। अभी रात के करीबन बजे हुए हैं, 11:30 बजे हुए हैं, और अपनी दो गाड़ियां हैं और दोनों हम लोग जा रहे हैं बाड़मेर। तो अभी कम से कम हमने 100 किलोमीटर पार करने के बाद एक ब्रेक मारा है और लाहौर ने लाइट चालू कर रखी है, और ये टोल टैक्स के पास हम लोग पहुंच गए। तो इतनी ठंड है कि हाथ अकड़ गए एकदम। और ये रोड में हमने क्या देखा, प्यारे प्यारे कुत्ते आ गए, छोटे कुत्ते के बच्चे। अरे ये तो भाग रहे भाग रहे, नहीं 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 भाई, मत जा मत जा मत जा, आ जा आ जा, चलो इनको डराते नहीं अपन। जोधपुर से निकले तो बहुत जोश में थे, अब पूछते हैं इनकी हालत क्या है। राहुल भाई क्या हालत है? अभी तो गया था कि मेरे शरीर दुख रहा है यार, खराब हो गया शरीर। भाई क्या हालत है? बहुत खराब है भाई, ने एकदम सच बोला है। और अभी हम लोग बाड़मेर से 100 किलोमीटर पहले रुक गए हैं। तो भाइयों ये 95 ये और सुनो तो एक्सट्रीम राइडर वासियों, अगर हम वापस सही सलामत पहुंच गए तो हमारे लिए दुआ करना, और दुआ में याद रखना। राहुल कुछ कहना चाहोगे? मजे करो। और फाइनली पहुंच गए बाड़मेर, और मतलब क्या बताऊं बाड़मेर के बारे में आपको, बस यही कहना चाहूंगा कभी बाड़मेर रात को मत आइएगा वरना आप फंस जाएंगे। और हमारे पैर वगैरह सब कुछ सुन हो गए, हाथ वगैरह एकदम कड़क हो गए। तो क्या कहूँ, एक तरफ हंसी भी आ रही है कि मेरे साथ क्या हो गया, और एक तरफ मैं, पता है, घर आ गया हूँ, घर आ गया था मैं मतलब दूसरे दिन, और ये पार्ट बनाने के लिए मुझे अभी करीबन रात के 12-1 बज रहे हैं। तो मतलब मैं कब से सोच रहा था कि मैं इस पार्ट को बना कर डालूँ कैसे, क्योंकि मतलब कोई चीज़ आपके साथ कभी घटी ना हो और एकदम से घट जाए वो चीज़। पता है आजकल इतना यूट्यूब या सोशल मीडिया में इतना फेक कंटेंट या फेक चीज़ लोग ये
हॉरर प्रैंक वैंक बनाते हैं, मैं नहीं जानता, पर यार जिसके साथ सच में बीतती है ना भाई साहब, मेरे को कल रात से बुखार था, टैबलेट वगैरह खाई तो मतलब मैं आज मतलब कल रात को जब मैं उधर था बाड़मेर, तो मेरे को एकदम फीवर जैसा लगने लग गया और एकदम चक्कर जैसा आने लग गया मुझे। बस इतनी मजबूरी थी कि बस किसी तरह कर कुरा के वहाँ से हम लोग फिर दिन में निकले, और मतलब क्या ही बताऊँ, मैं उस रूट से ही नहीं आया। और बताता हूँ आपको, चलो बताता हूँ क्या सीन हुआ अपने साथ। तो आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ। अभी आपने जो लास्ट पार्ट देखा होगा जहाँ पे बाइक चल रही है, और बाइक चलने के बाद ऐसा एकदम से कुछ हुआ कि मुझे ऐसा लगा मेरे बाइक के पीछे कोई बैठ गया है, और मतलब ऐसा अजीब सा हुआ क्या बताऊँ, मेरा गोप्रो अपने आप एकदम बंद हो गया, मैं कांच में एकदम बंद, और मतलब मैं पागल जैसा हो गया, एकदम से गाड़ी में बाहर आ गया, मैंने सोचा पंचर हो गई। और अब क्या ही बताऊँ, वो एक्सपीरियंस ऐसा था, मुझे इतनी ज़ोर से कान में आवाज़ आई है कि मैं आपको सच में बता नहीं सकता। और वो जगह ही मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने कहा था, जब मैं वो लास्ट होटल में रुका था तो वहाँ कहा था भैया आप यहाँ रात में आ तो गए हो, पर ये आगे जो जगह है वो सेफ़ नहीं है। मैं उसका क्या बताऊँ, मैं उससे जैसे ही आगे निकले और ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, राहुल की गाड़ी उससे 5 मिनट बाद ही बंद हो गई। अभी आपने देखा होगा जो राहुल की गाड़ी, हम लोग रुके हैं इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग वहाँ रुके हैं, फिर से मैंने वहाँ गोप्रो चेक किया और गोप्रो अपने आप बंद हो गया। मैं सोचा बैटरी नहीं, मैंने कहा बैटरी तो मैं फुल चार्ज करके आया इसकी, फिर देखा तो बैटरी तो है, फिर स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया। भाई उस टाइम कैसे बंद हो गया मुझे नहीं समझ में आया, उस टाइम कैसे बंद हो, और एकदम से मेरे कान में आवाज़ आई, और एकदम से जैसे आपकी दिल की धड़कन बढ़ नहीं जाती वैसे, और मेरे को ऐसा लगा मेरे बाइक के पीछे कोई बैठ गया। उसके बाद मैंने उस भाई को अपनी गाड़ी के पीछे बैठाया, और राहुल की थंडरबर्ड गाड़ी, भाई आप खुद जानते हो रॉयल इनफील्ड कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं देती है, और देती भी है तो मतलब गाड़ी रुक एकदम से चलते चलते एयर बन गई। अब भाई ठंड में कहाँ से एयर बनती है, और ठंड में बनती भी होगी चलो एयर, पर गर्मियों में मैंने सुना है कि गर्माहट से एयर बन जाती है, पर चलती गाड़ी में एयर, और वहाँ रुके और इतनी घबराहट सी हो रही थी, मैं कहा भाई फटाफट इसकी एयर वेयर जो भी निकाल, उसकी गाड़ी मतलब ऐसा लगा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। और बाड़मेर जैसी रोड इतनी घटिया रोड है, कभी आप रात को सफ़र मत करिएगा, एक एक मतलब पेट्रोल पंप तो बहुत दूर दूर मिलते हैं, होटल तक नहीं मिलता है, चाय और ढाबा की गाड़ी अगर आपकी पंचर हो जाए 30 किलोमीटर लेके घसीटते रहना गाड़ी, और कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी घटना घटी है, उसके बाद मेरे एकदम मूड ही कि एकदम ख़राब हो गए, वहाँ तक मैं बहुत खुश था, अभी आपने देखा ही होगा, पर अब ऐसा लग रहा है ना, एक वो मन में फील हो रहा है कि सच में, मैं पता है मैं सच में इन सब चीज़ों को मानता नहीं था कभी ज़िंदगी में, मैं सोचता था यार क्या होता है, कुछ नहीं होता, लोग ऐसे बहाने मारते हैं, बल्कि जो ऐसे हॉरर वीडियो वगैरह बनाते थे प्रैंक, मतलब जो वीडियो वगैरह, मैं उनको डिसलाइक मारता था, मैं खुद अपने मुँह से बता रहा हूँ, पर अब मैं सच में मानता हूँ कि ये चीज़ है। और बाड़मेर जैसी रोड या फिर कोई भी ऐसी जगह आपको रात में अकेले नहीं जाना चाहिए, और लोग जो कुछ कहें तो उनकी एक बार बात मान लेनी भी चाहिए। मेरे को लास्ट टाइम भी होटल वाले ने कहा था कि भैया यहाँ से आप आगे मत जाओ, और गाड़ी एकदम से बंद हो गई, मेरे को ऐसा लगा मेरी गाड़ी के पीछे कोई बैठ गया है के, और कान में आवाज़ आई, मतलब आपके कोई पास बैठ के बोलता है ना कुछ तो ऐसी आवाज़ आई, और मतलब क्या बताऊँ, एक तो वहाँ पे हिरन वगैरह बार बार घूमते रहते हैं क्योंकि जैसलमेर वहाँ से पास में ही है, तो उनकी जैसी अपनी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो उनकी आंखें वगैरह दिखती हैं, और वहम बैठ गया, और सच में मैं मान गया भाई साहब भूत है सच में, और कोई भगवान था, कोई अच्छे कर्म थे जो बच गए हम लोग और वहाँ से आ गए। अब भाई कभी भी ऐसी जगहों पे जाने से पहले हम देख लेंगे कि भाई वहाँ पे जाना सही है कि भी नहीं है, या फिर उस जगह के बारे में इतिहास जान लेंगे हम। तो इस वीडियो के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरे लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ भी करिए, ये बस एक मन की बात थी जो आप तक बतानी थी। और हाँ, कभी भी कहीं भी जाए, रात को निकले, राइडिंग का क्रेज़ हमें भी बहुत है, और इसी क्रेज़ के साथ हम लोग रात में निकल गए, वो बंदा कह रहा था कि आप दिन में आ जाओ, दिन में आ जाओ, उस बंदे ने भी मेरे को बहुत कुछ कहा, पर हमने भी कहा नहीं, हम बाइक राइडर्स हैं, ये वो ये वो, और अंत में देख लो अब क्या हो गया। तो कभी भी कहीं जाइए तो रात को किसी से पूछ के जाइए, और एक बार उस रास्ते के बारे में जान लीजिए,
ये गाइस ये चीज़ कैसे हो जाती है और कब हो जाती है पता नहीं चलता, तो किसी भी चीज़ को नॉर्मल मत लेना। अच्छी शक्तियाँ हैं तो बुरी भी हैं लाइफ में, ध्यान रखना। तो चलिए, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, लिखते रहिए पांडे ब्लॉग्स, बाय।